मध्य प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्यवाही लगातार जारी है। इसी कड़ी में अनूपपुर जिले के जैतहरी जनपद में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस मामले में पुलिस बल को काफी मशक्कत भी करनी पड़ी। मकान तोड़ने से नाराज ग्रामीणों ने अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की कर दी। मिली जानकारी के मुताबिक यह पूरा मामला अनूपपुर जिले के ग्राम पंचायत चोलना स्थित हाट बाजार का बताया जा रहा है, जहां भूमि पर अतिक्रमण किए जाने के संबंध में ग्राम पंचायत सरपंच जानकी सिंह ने तहसीलदार कार्यालय जैतहरी में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद मामले पर नायब तहसीलदार और राजस्व अमला अतिक्रमण हटाने के लिए मौके पर पहुंचे, जहां सरकारी भूमि पर बनाए गए 6 दुकानों और मकानों को तोड़ने की कार्यवाही रविवार को की गई। इस दौरान अतिक्रमण हटाने गए नायब तहसीलदार धनीराम ठाकुर से अतिक्रमणकारियों ने अभद्र व्यवहार के साथ साथ झूमा झपटी भी की। अतिक्रमण हटाते वक्त पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल न होने के कारण प्रशासनिक अमले पर ग्रामीण हावी हो गए। ग्रामीणों का आरोप था कि जिस जगह पर अतिक्रमण हटाने की जानकारी उन्हें दी गई थी, वहां अतिक्रमण नहीं हटाया गया, बल्कि दूसरे जगह पर यह कार्यवाही की जा रही है। मकान व दुकान तोड़ने के लिए जैतहरी थाने के 10 पुलिसकर्मी मौके पर गए हुए थे, जबकि ग्रामीणों की संख्या सैकड़ों में थी। इसी वजह से आक्रोशित ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार से धक्का मुक्की कर दी। इसके बाद पुलिस के द्वारा धक्का मुक्की करने वाले ग्रामीणों को पकड़ लिया गया। थाने की कार्यवाही की गई है, ये किस उद्देश्य से किया गया है सर? यहाँ पर जो बाजार लगता था, उसके सामने कई लोगों ने अवैध कब्जा करके दुकान वगैरह और ऐसा निर्माण किया था मकान बना के, तो इसके संबंध में माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार इसमें विधिवत कार्रवाई की गई है कब्जा हटाने की। विंध से जुड़े वीडियोस देखने के लिए बने रहिए विंध फर्स्ट के साथ। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।